हाउ आर यू क्लास फर्स्ट, वेलकम टू द श्री खेतेश्वर इंग्लिश अकेडमी। आज का हमारा सब्जेक्ट है जीके, और जीके में हम आपके चैप्टर 20 पढ़ेंगे। जीके में आपके चैप्टर 20 जिसका नेम है लिविंग और नॉन लिविंग। नेम क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग, लिविंग वो होता है जिसमें जान होती है, और नॉन लिविंग वो होता है जिसमें जान नहीं होती। तो देखो चैप्टर का क्या नाम है आपके, सॉरी चैप्टर का नेम तो है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। अब हमें इस चैप्टर में करना क्या है हम वो पढ़ेंगे। तो देखो क्या है, थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ये क्या बोल रहा है, जिन चीज़ों में जान होती है, लाइफ होती है, वो क्या होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं। लिविंग थिंग मतलब जिनमें जान होती है, जैसे वो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकता है, चल फिर सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, खा सकता है, पी सकता है, ये क्या होता है, लिविंग थिंग। क्या होता है ये, लिविंग थिंग। और नॉन लिविंग थिंग आगे क्या दे रखा है, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। और वो चीज़ें जो ना ही देख सकती है ना ही सुन सकती है, जिनको हिलाने के लिए भी हमें एक दूसरे उसकी हेल्प करनी पड़ती है, जैसे चेयर, टेबल, कुर्सी, अलमारी, ये सब क्या होती है, ये नॉन लिविंग थिंग है। इनको हिलाने के लिए हमें इनकी हेल्प करनी पड़ती है। हम एक चेयर को उठाकर दूसरी जगह ले जाएंगे तो ही वो दूसरी जगह जा पाएगी, बाकी वो खुद चल के वहाँ पे नहीं जा सकती। और ना ही चेयर में जान होती है, चेयर में जान नहीं होती, तो ये क्या हो गए, नॉन लिविंग थिंग। जैसे यहाँ पे देखो कंप्यूटर, कार, फुटबॉल वगैरह, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। इनको अगर हम हिलाएंगे तो ही ये हिलेंगे, वरना ये नहीं हिलने वाले। और लिविंग थिंग हो गए आपके कैट, बटरफ्लाई, डॉग, ये क्या है, लिविंग थिंग है, इनमें जान है, ये देख सकता है, चल फिर सकता है, सुन सकता है, खा पी सकते हैं, है ना। और देखो क्या बोल रहा है आपका चैप्टर, कलर द बॉक्सेस ग्रीन फॉर द, कलर द बॉक्सेस ग्रीन फॉर द लिविंग थिंग्स एंड रेड फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं, उनमें आपको कलर करना है। क्या करना है उनमें आपको, कलर। तो इसमें आपको दे रखा है कि जो ग्रीन लिविंग थिंग है उनमें आप कौन सा कलर करोगे, ग्रीन थिंग, सॉरी ग्रीन कलर। जो लिविंग थिंग्स है उसमें आप ग्रीन कलर करोगे, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें आप रेड कलर करोगे। कौन सा कलर करोगे, रेड कलर। तो आपको ये तो पता चल गया लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या है, जो चल फिर सकता है, सुन सकता है, वो तो है लिविंग थिंग, और जो चल फिर नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर करना। फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रीन और रेड का बोला है, तो हम कलर्स लेते हैं इसमें। सबसे पहले क्या लेंगे हम, कलर। तो फर्स्ट देखो क्या दे रखा है, जो लिविंग थिंग है ग्रीन, लिविंग थिंग में हमें कौन सा करना है, ग्रीन कलर। तो आप देखो यहाँ पे कौन कौन सा लिविंग थिंग है, कैट लिविंग थिंग है, तो आप कैट में कौन सा कलर करोगे, ग्रीन कलर। कौन सा कलर करोगे, ग्रीन कलर। कैट में कौन सा कलर होगा आपके, ग्रीन कलर, तो आप कैट में करो ग्रीन कलर। कर लिया सबने ग्रीन कलर। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डॉट कर देती हूँ, कैट में ग्रीन कलर। बटरफ्लाई क्या है, बटरफ्लाई भी लिविंग थिंग है, तो बटरफ्लाई में भी कौन सा कलर होगा, ग्रीन, तो आप इसमें भी कौन सा कलर करो, ग्रीन कलर। कलर ग्रीन, मैं यहाँ पे सिर्फ टिक लगा देती हूँ, कलर नहीं करूँगी, आप लोग कलर कर देना। जैसे ये ग्रीन है तो इसमें ग्रीन, लिविंग थिंग्स में ग्रीन करना है तो आप, ये भी लिविंग थिंग है जिसमें जान है तो ये भी ग्रीन होगा। क्या कंप्यूटर चल फिर सकता है या हमारी आवाज़ सुन सकता है, नहीं ना, तो कंप्यूटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसमें ग्रीन कलर नहीं आएगा। लेकिन पौधे में आएगा, पौधे में क्यों आएगा, क्योंकि पौधा सांस भी लेता है ना, पौधा बढ़ता भी है, अपनी आवाज़ सुनता भी है, इसलिए हम पौधे को किस में रखते हैं, लिविंग थिंग में। यहाँ पर एक क्लास और ग्लास दे रखे हैं, कार और ग्लास, क्या ये लिविंग थिंग है, नो ये लिविंग थिंग नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट आओ आप 7 नंबर पे, यहाँ पे एक अलार्म क्लॉक दे रखी है, क्या ये अलार्म क्लॉक लिविंग थिंग है, नहीं है ना। फिर यहाँ पे देखो एक बी है, तो बी लिविंग थिंग है, यस ये लिविंग थिंग है, बी घूम सकती है, खाती है, पीती है ना। बुक ये नॉन लिविंग थिंग है, इसमें नहीं आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखी है फिश, क्या दे रखी है, फिश, तो क्या फिश लिविंग थिंग है,
यस फिश लिविंग थिंग है, फुटबॉल नहीं है, और डॉग आपके क्या होगा, लिविंग थिंग। तो जो जो लिविंग थिंग थी उनमें हमने ग्रीन कलर कर लिया, अब जो नॉन लिविंग थिंग है उसमें हम कौन सा कलर करेंगे, रेड कलर। कौन सा करेंगे, रेड कलर। तो चलो कंप्यूटर नॉन लिविंग थिंग है तो इसमें आपके रेड कलर आएगा, कार ये भी आपके नॉन लिविंग थिंग है तो इसमें भी आपके रेड कलर आएगा, ग्लास ये भी नॉन लिविंग थिंग है, और क्या है, यस अलार्म क्लॉक, और बताओ आप लोग क्या होगा, यस बुक, बुक भी नॉन लिविंग थिंग है, और फिर नेक्स्ट क्या है आपके, फुटबॉल, तो ये भी नॉन लिविंग थिंग है। तो हो गया आपका, अब आपके ना इस चैप्टर में दो पार्ट है, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब हम करेंगे बी पार्ट। कौन सा पार्ट करेंगे, बी पार्ट। पहले आप लोग एक बार ये देख लो सारा और आप लोग कर लो, कैट बटरफ्लाई प्लांट, छोटा सा जो प्लांट है, बी फिश और डॉग, इनमें आपके आएगा ग्रीन कलर, उसके बाद कंप्यूटर कार ग्लास क्लॉक बुक, और यहाँ पे क्या है ये बॉल, तो इनमें क्या आएगा आपके, रेड कलर, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है जिनमें जान नहीं होती। रफ कर दूँ अब सारा, नेक्स्ट पे चले अपन। ओके अब अपन नेक्स्ट पर चलते हैं, ये है आपका सेकंड पार्ट इस चैप्टर का। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपके दे रखा है, वन मिनट, देखो ए लिविंग थिंग्स आर नेचर थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचर थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचर और मैन मेड, क्लासीफाई द फॉलोइंग थिंग्स अंडर करेक्ट हेडिंग। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पे सब कुछ नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन कुछ ऐसे थिंग्स है जो क्या है, नेचुरल है, जो प्रकृति से मिले हमें, नेचर से मिले, और कुछ ऐसे थिंग्स हैं यहाँ पर जो यहाँ पे हमें मानव द्वारा निर्मित है, मतलब मेन मेड, जो आदमियों ने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं, वो वाले। जैसे आपको पता है ब्रिज, ब्रिज क्या है, ब्रिज हम लोगों ने बनाया, हम मनुष्य ने ब्रिज बनाया, लेकिन यहाँ पर है छोटे छोटे पत्थर जिसे हम लोगों ने नहीं बनाया, पीईडीडीएलिपेडल, इन लोगों को ये हमने नहीं बनाया, वाटर ये हमने नहीं बनाया, ये क्या है प्रकृति से बनाया, नेचर से बनाया। तो बस जो नेचर से खुद बना है उसको हमें नेचर में लगना है, और जो हमारे द्वारा बनाया गया है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, उसे हमें मैन मेड में रखना है। तो यहाँ पे आपको ये दो बॉक्सेस दे रखे हैं, एक और दो, तो इनमें आप दोनों को उसमें रखना है। ओके तो स्टार्ट करें, सबसे पहले हम वापस एक बार अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट देखो हमारा क्या है, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप मेरे को बताओ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कौन सा है, ये जो छोटे छोटे पी ई डी डी एल पेडल दे रखे हैं, क्या ये मानव द्वारा निर्मित है, नहीं ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये क्या है प्रकृति नेचर से बने हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे ब्रिज दे रखा है ये मानव द्वारा निर्मित है, तो आप यहाँ पे क्या लिखो, ब्रिज लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ब्रिज, फर्स्ट नंबर में लिखो आप ब्रिज, फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, ब्रिज, ये रे ब्रिज की स्पेलिंग लिखो यहाँ पर, BRIDGE ब्रिज, BRIDGE ब्रिज, फर्स्ट में आप लिखो ब्रिज, लिख लिया सबने, BRIDGE ब्रिज। अब सेकंड देखो BRICK ब्रिक, ये वाला, ये आप किस में लिखो, यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखो BRICK ब्रिक, BRICK ब्रिक। ये क्या होता है, ईंट, जो ईंट होती है ना उसको बोलते हैं हम,
लिख लिया सबने, पेंसिल। नेक्स्ट क्या है? पेंसिल। क्या पेंसिल को हमने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है? यस, पेंसिल को हमने ही बनाया है, पेंसिल नेचर से नहीं बनी है। तो आपका अगला यहाँ पे क्या आएगा? पेंसिल। अगला आप यहाँ पे क्या लिखो? पेंसिल, पी ई एन सी आई एल ई, पेंसिल, पी ई एन सी आई एल ई, पेंसिल। लिख लिया सबने? नेक्स्ट देखो आपकी क्या दे रखा है, वाटर। तो क्या वाटर मनुष्य द्वारा बनाया गया है, मानव मेड है? नहीं, वाटर क्या है? नेचर द्वारा बनाया है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है, तो वाटर नहीं आएगा। अगला आपके क्या आएगा? बस। क्या आएगा? बस, बी यू एस, बस। तो बस लिखो आप यहाँ पे, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन की थी वहाँ पे आप बस लिखो, बी यू एस, बस, बॉक्स में। लिख लिया सबने? नेक्स्ट आपका है टॉय, टी ओ वाई, टॉय। टॉय मनुष्य द्वारा निर्मित है, मानव मेड, सॉरी मैन मेड है ये, तो यहाँ पे लिखो आप टॉय, यहाँ पे टी ओ वाई, टॉय। लिख लिया सबने टॉय? नेक्स्ट देखो, सन ये नहीं होगा, मून ये भी नहीं है, सोल ये भी नहीं है, क्लाउड ये भी नहीं है, रॉक ये भी मानव निर्मित नहीं है। नेक्स्ट क्या आपके? रोड। क्या है ये? रोड। रोड कौन बनाता है? रोड हम लोग ही बनाते हैं, मनुष्य ही बनाता है रोड, तो ये रोड आप यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट बॉक्स में आप लिखोगे रोड, आर ओ ए डी, रोड। नेक्स्ट है आपके ऑटो, ए यू टी ओ, ऑटो, ए यू टी ओ, ऑटो। तो यहाँ पे लिखो आप ऑटो, ए यू टी ओ, ऑटो। ये सब आपके क्या हो गए? मानव मेड नॉन लिविंग थिंग, मानव मेड नॉन लिविंग थिंग्स, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं? मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। कौन कौन से थे? ब्रिज, ब्रिक, पेंसिल, बस, टॉय, रोड और ऑटो। अब नेक्स्ट देखो आपके, नेक्स्ट आपका क्या होगा? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, जो प्रकृति द्वारा बना है, वो नॉन लिविंग के द्वारा बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या है? पी ई डी डी एल, पेडल। तो यहाँ पे लिखो आप इसको, यहाँ पे लिखो फर्स्ट में पी ई डी डी एल ई, पी ई डी डी एल ई, पेडल। फिर सेकंड आप लिखोगे, सेकंड क्या लिखोगे आप यहाँ पे? क्या दे रखा है सेकंड? वाटर। तो आप यहाँ पे लिखो सेकंड में वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर। लिख लिया सब में वाटर। नेक्स्ट आप लिखोगे सन, एस यू एन, सन। कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पर लिखो एस यू एन, सन। फिर आप लिखोगे मून, एम ओ एम डबल ओ एन, मून। यहाँ पे लिखो आप मून, एम डबल ओ एन, मून। नेक्स्ट आप लिखोगे एस ओ आई एल, सोल, एस ओ आई एल, सोल। यहाँ पर फिर अगला देखो, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? क्लाउड, सी एल ओ यू डी, क्लाउड। क्या मनुष्य बादल बना सकता है? नहीं, क्लाउड क्या है? नेचर का है, तो ये नेचुरल है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है, तो आप यहाँ पे लिखो क्लाउड, यहाँ पर लिखोगे क्लाउड। नेक्स्ट है रॉक। क्या है रॉक? जो बड़ी बड़ी चट्टाने होते हैं, उनके जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रॉक। तो इसका भी ये यहाँ पे आएगा रॉक, आर ओ सी के, रॉक, आर ओ सी के, रॉक। लिख लिया सबने? हो गया सबका? ओके, तो क्लास फर्स्ट आपकी आज की क्लास यहीं पे, आज आपका ये चैप्टर 20 यहाँ पे सॉरी चैप्टर 22 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आप अपनी बुक में कैसे वर्क करोगे वो देखो। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, जो
लिविंग थिंग्स है उसमें ग्रीन कलर आएगा और जो नॉन लिविंग थिंग है उसमें रेड कलर। तो मैंने यहाँ पे देखो जो लिविंग थिंग थे उनमें रेड ग्रीन कलर के है और जो नॉन लिविंग थिंग्स थे उनमें रेड कलर के है। देख लो आप एक बार। अब नेक्स्ट पेज पे चलो। देखो ये रहा जो प्रकृति द्वारा अपने आप निर्मित हुए हैं, खुद बने हैं प्रकृति से, नेचर से जो खुद बने हैं वो है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, और जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं वो है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग देख लो और जो आपने लिखा है वो राइट है यानी करेक्ट कर लो उसको। तो आज के हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।